गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्लॉगिंग विद ओम में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे बाबा तर्पण करेंगे, तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम अपने बाबा के पास आ चुके हैं, अब बाबा तर्पण करना स्टार्ट करेंगे। अपने पूर्वजों के लिए ये तर्पण करते हैं और ये हमारी सारी सामग्री है। ये दूध है और गंगा जल है और पानी है और जनेऊ है। इनके बाबा के हाथ में वाइट वाइट जो लग रहा है, और अब बाबा पूजा स्टार्ट कर रहे हैं तर्पण। और ये एक लाल कलर का ढक्कन का डिब्बा है, इसमें जौ और काले तिल हैं। इससे ही होता है असली तर्पण। गाइस, आप जरूर बताएं क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है। गाइस, हम आ चुके हैं, अब अग्यारी करेंगे हमारे बाबा। अब यहाँ पर अग्यारी स्टार्ट होने वाली है और आप नीचे तीन रोटी रखी हुई देख रहे हो, वो हैं गाय की है और एक कौवे की है और एक कुत्ते की है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अब बाबा रेडी हो गए हैं सब चीज़ करने के लिए। अब अग्यारी स्टार्ट होगी, बाबा ने सब पे घी डाल रहे हैं अभी। अब ये कुत्ते की पे डाल रहे हैं, अब कौवे की पे डाल रहे हैं, और ये बूरा है और ये घी है, आपको पहले ही बता दूं। और ये बहुत धुआं है, बहुत धुआं है। और ये जल गई है आग, मतलब अग्यारी। और अब बाबा इन तीनों रोटी में से एक एक गस्सा इन पे डालेंगे। और बाबा ने ले ली है एक रोटी अपने हाथ में और एक गस्सा डल गया है एक रोटी का, मगर दो दो डालते हैं बाबा हमारे। वो दो अग्यारी हैं इस वजह से। और इन पे भी डल गई। अब बाबा लेंगे कुत्ते नहीं, अब गाय की लेंगे। अब बाबा गाय की रोटी उठा लिया बाबा ने, अब इसमें ऐसे भी डालेंगे। डालो डालो। अब बाबा गाय की रोटी डालने वाले हैं। और ये भी डल गई एक उस पर, अब दूसरी कंडी पर डल। हाँ, अब ये हमारी कुत्ते की आ गई है। ये हमारा कुत्ते के लिए डालने जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा, और कोई तो इस घर में जाएगा नहीं। हाँ डालो यार। हाँ, ये भी डल गई। और अब एक और गुस्सा, जल्दी डालो। अब मैं जाऊंगा रोटी डालने। बाय फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ गाय और कुत्ते की डालने रोटी। बाय बाय।